आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूनम राजभव, प्रवक्ता गृह विज्ञान डाट लखनऊ। आज हम कक्षा 5 की पुस्तक हमारा परिवेश से भोजन का संरक्षण पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम भोज्य पदार्थों के खराब होने के मुख्य कारण, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता, संरक्षण की विधियां एवं उसके महत्व के बारे में जानेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन हमारे लिए अति आवश्यक है। हम जो भोजन करते हैं उसे सुरक्षित रखना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव उसे खराब कर देते हैं। भोज्य पदार्थों के खराब होने का मुख्य कारण। भोज्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में जानने से पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि भोज्य पदार्थ खराब क्यों हो जाता है, तभी हम उसको संरक्षित कर पाएंगे। भोज्य पदार्थों को नम अर्थात गीली स्थानों और खुला रखने से धूल के कण, मक्खियाँ, फफूंद व जीवाणु आदि उसे खराब कर देते हैं, जिससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह खाने योग्य नहीं रहता है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता। गर्मी एवं नमी दोनों ही स्थितियों में फफूंदी व जीवाणु तेजी से पनपते हैं। यही भोज्य पदार्थों को खराब व सड़ाने का कारण होता है। अतः भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसके संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। फर्स्ट है, उनमें फफूंद लग जाती है। सेकंड है, स्वाद खराब हो जाता है। थर्ड है, घुन व कीड़े पड़ जाते हैं। फोर्थ है, भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। फिफ्थ है, भोज्य पदार्थों को हम साल भर उपयोग कर सकें इसके लिए उन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की निम्न विधियाँ हैं। इसमें फर्स्ट है सुखाना अर्थात निर्जलीकरण। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी तथा बहुत प्रचलित विधि है। इस विधि में सूर्य की किरणों द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है, जिससे इनमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी, सेवइयां, आंवला, गोभी, मेथी, आम आदि को सुखाया जाता है। आजकल कृत्रिम विधियों द्वारा भी निर्जलीकरण करके गोभी, मटर, मेथी आदि सब्जियों को रखा जाता है और उन्हें डिब्बे और थैलियों में बंद करके बेचा जाता है। सेकेंड है, ठंडे स्थान पर रखना, प्रशीतन। गुथे हुए आटे, हरी सब्जियां एवं फलों को गीले कपड़ों से ढककर कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल घरों में दूध, दही, पके हुए भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए फ्रिज का उपयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में फल एवं सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतन गृह अर्थात कोल्ड स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। थर्ड है उबालना। उबालने की क्रिया में अधिक तापमान होने के कारण हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए घरों में दूध को उबालकर उपयोग में लाया जाता है। पीने के पानी को भी उबालकर जीवाणु रहित किया जाता है। फोर्थ है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग। कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट व सिरका आदि। इसके अतिरिक्त नमक, चीनी, तेल आदि का उपयोग भी भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, जैसे आम, अमरूद, अंगूर, सेब, आंवला आदि को चीनी के साथ पकाकर मुरब्बा व चटनी के रूप में संरक्षित करते हैं। इसी तरह आम, आंवला, मिर्च
आदि को तेल व नमक के साथ अचार के रूप में संरक्षित करते हैं। फिफ्थ है गर्म करके तुरंत ठंडा करना अर्थात पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गर्म किया जाता है, फिर तुरंत 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार दूध को साफ बोतलों या पैकेट में बंद करके दूध डेयरी पर बेचा जाता है। भोज्य पदार्थों के संरक्षण का महत्व। भोज्य पदार्थों के संरक्षण का महत्व इस प्रकार है। इसमें फर्स्ट है खाद्य सामग्री को घुन, फफूंदी एवं अन्य कीटाणुओं से सुरक्षित रखना। सेकंड है पक्के भोज्य पदार्थों को संरक्षित करके दोबारा उपयोग करना। थर्ड है अनाज, फलों व सब्जियों को दूर स्थानों पर भेजने के लिए। और फोर्थ है आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल, सब्जी व अनाज को सुरक्षित रखना। अंत में हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान समय में उपलब्ध भोज्य पदार्थों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को ही भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहा जाता है। बच्चों, आज हमने भोज्य पदार्थों का संरक्षण के बारे में सीखा। इसमें हमने भोज्य पदार्थों के खराब होने का कारण क्या है, भोजन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है तथा संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। अब अभ्यास के लिए प्रश्न कौन कौन से हैं यह देख लेते हैं। पहला प्रश्न है भोज्य पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है। दूसरा प्रश्न है भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। तीसरा प्रश्न है निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं। और चौथा प्रश्न है भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय लिखिए। धन्यवाद।